दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के साइकिलिंग वाले गैजेट जिनका इस्तेमाल आप भी अपनी राइडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस गैजेट के साथ। नंबर 10, स्पोकलेट व्हील लाइट। साइकिल के पहियों को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए स्पोक लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं अपने साइकिल के साथ तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्पोक्स एलईडी लाइट्स को। इनकी खास बात ये रहती है कि ये एक तरीके की आरजीबी एलईडी लाइट्स होती हैं जिनके कलर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों ये एक तरीके की रिचार्जेबल एलईडी लाइट रहेंगी जिनमें कि आपको बार बार सेल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इसकी चार्जिंग खत्म होती है तो आप उसे अपने मोबाइल फोन वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वहीं इन लाइट्स में आपको अलग अलग ग्लो मोड्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि इन लाइट्स को आप स्टेबल मोड और फ्लैश मोड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल चलते वक्त ये कलर बदलती हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन सा लगेगा। तो अगर आप भी अपनी साइकिल को कस्टमाइज करना चाहते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके की एलईडी लाइट्स काफी ज्यादा सही रहेंगी आपके लिए। नंबर 9, टिल्ट बाइक्स बाय मोवर्टी। साइकिलिंग का शौक तो बहुत से लोगों को होता है लेकिन वो कोविड के दौरान अगर अपनी साइकिलिंग के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इस तरीके का सिस्टम उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जो कि उनको घर के अंदर ही साइकिलिंग का पूरा मजा देगा। इस सिस्टम में मजेदार बात ये रहती है कि यहाँ पर आपको एक साइकिल मिल जाएगी जिसमें कि आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अपनी टीवी को कनेक्ट कराकर इसमें आप साइकिल सिमुलेटर का मजा ले सकते हैं। इस सिमुलेटर में आपको बहुत सारे और भी एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप साइकिल के हैंडल को मूव कराते हैं तो टीवी में आपके ग्राफिक्स भी मूव करेंगे और साथ ही दोस्तों अगर आप हाई स्पीड पर टर्न लेते हैं तो आपको हल्का सा झुकाव भी फील होगा इस साइकिल में। तो दोस्तों घर पर एक जगह बैठकर ही आप आराम से साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं और अच्छा खासा वर्कआउट तो हो ही जाएगा। इसमें आपको काफी सारे गेम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे जो कि साइकिलिंग के दौरान खेले जा सकते हैं जिससे कि इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है। तो ये ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के साइकिल सिमुलेटर में जो कि आपके वर्कआउट को भी ट्रैक करता है और सारी डिटेल्स आपके मोबाइल फोन तक पहुंचाएगा जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस का डेटा मॉनिटर कर पाए। तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर आपको इस साइकिल में देखने को मिल गई है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, ल्यूमिस। दोस्तों साइकिल में सामान रखने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है लेकिन अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको थोड़े बहुत ऐसे ऑप्शन देता है जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान रखकर कैरी कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो दरअसल ये एक तरीके की एलईडी लाइट होती है जिसे कि आपको अपने साइकिल के बैक पर लगाना होगा। इसके साथ आपको एक छोटा सा टूल बॉक्स मिल जाता है जहां पर छोटे मोटे सामान को रखने की जगह होती है जिससे कि आप अपनी कीज वगैरह या फिर आप अपना जरूरी सामान वगैरह इसमें रख सकते हैं। इस छोटे से टूल बॉक्स को कैरी करते वक्त आप अपनी एलईडी लाइट्स में सेट कर सकते हैं जिससे कि एलईडी लाइट्स की रोशनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप रात के समय साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये आपकी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से इस गैजेट में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप अपना जरूरी सामान तो कैरी कर ही सकते हैं और साथ ही आपको रेड कलर की एक छोटी सी एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाएगी जो कि सेफ्टी पर्पस काफी ज्यादा मायने रखेगी। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी राइडिंग को थोड़ा सा सेफ बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। नंबर 7, शॉटगन प्रो सीट। दोस्तों बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठकर सफर किया करते थे जिसपे बैठने का अपना एक मजा ही अलग होता था। लेकिन दोस्तों डंडे पे बैठना जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाला भी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए खासतौर पर इस तरीके की सीट को बनाया गया है जिसका इस्तेमाल आप एक सेकेंडरी सीट के तौर पर कर सकते हैं अपनी साइकिल में। जिससे कि अगर आप राइडिंग पर निकल रहे हो कोई बच्चा आपके साथ बैठना चाहे तो आप उसे आगे वाली सीट में बड़ी ही आसानी से और कंफर्टेबली बैठा सकते हैं। ये सीट बेहद सेफ रहती है और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी। तो इस पर आगे बैठकर राइडिंग का मजा लेने की कुछ बात ही और होगी। तो काफी कमाल के ये ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं जो कि किसी भी तरीके के साइकिल में एडिशनली अटैच किए जा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि क्या बचपन में आप भी साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठा करते थे या नहीं। नंबर 6, आर्क लाइट पैडल्स। दोस्तों साइकिल राइडिंग करते समय आपको उसमें हेडलैम्प्स के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते जिससे कि रात के वक्त राइडिंग करते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वहाँ पर आप इस तरीके के पैडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक बेहतरीन तरीके के हेडलैम्प और बैकलाइट की तरह काम करेंगे। देखा जाए तो इनमें दोनों पैडल्स में आपको दो दो एलईडी लाइट्स दे रखी होती हैं जो कि रेड और व्हाइट कलर दोनों में ही देखने को मिल जाएंगी। आप जिस भी पैडल को आगे की तरफ रखते हैं वो लाइट अपने आप खुद ब खुद हेडलैम्प की तरह काम करेगी और उसके ठीक पीछे वाली लाइट आपको बैकलाइट की तरह काम करती हुई दिखाई देगी जहाँ पर आपको रेड कलर जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप राइडिंग पर निकलते हैं तो जो उसकी आगे वाली लाइट होती है वो हेडलैम्प की तरह काम करने वाली है जिससे कि आपको प्रॉपर रोशनी मिल जाती है रात के वक्त भी। और इसकी रेड कलर की बैकलाइट भी काफी तेजी से ग्लो करती है जिससे कि दूर से आने वाला शख्स आपको आसानी से देख सकता है जो कि सेफ्टी पर्पस काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से हेडलैम्प का इस्तेमाल किए बिना ही हम पैडल्स की मदद से प्रॉपर रोशनी ले सकते हैं राइडिंग के दौरान जो कि काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन लाइट्स को आप डिटैच भी कर सकते हैं पैडल से जिससे कि आप इंडिविजुअली भी आप किसी टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि अपने आप में कमाल का ऑप्शन है इसके साथ। नंबर 5, टैक्टिका M250।
दोस्तों साइकिल राइडिंग के दौरान अगर आप किसी लंबी राइड पर जा रहे हैं तो आपके पास एक छोटी सी टूल किट होनी चाहिए। और ज्यादातर मार्केट में टूल किट्स को देखा जाए तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी और भारी भरकम होती है, लेकिन उसकी तुलना में ये आपको हेक्सा टूल किट काफी ज्यादा छोटे से अंदाज में देखने को मिलेगी। इस टूल किट की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको अलग अलग साइजेस के काफी सारे स्क्रू ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस छोटी सी टूल किट के साथ, जो बेहद यूजफुल रहेगी राइडिंग के दौरान आपके लिए। ये टूल किट इतनी ज्यादा छोटी होती है कि इसे आप अपनी साइकिल के कीरिंग के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहद कमाल का ये छोटा सा टूल रहेगा जो कि साइकिल राइडिंग के दौरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप भी लंबी लंबी राइड्स पर जाते हैं तो इसे आप अपने साथ जरूर से रखिएगा। नंबर 4, लूप व्हील। दोस्तों जो लोग पैरों से चल नहीं पाते, यानी कि जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके लिए हमारा ये गैजेट काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके की व्हील चेयर होती है जो कि अपनी स्पेशलाइज्ड डिजाइन के लिए जानी जाती है। ज्यादातर व्हील चेयर्स की अगर हम बात करें तो उसे चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उसे चलाते वक्त काफी झटके वगैरह भी लगते रहते हैं क्योंकि उनमें सस्पेंशन जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खासतौर पर इस तरीके के व्हील को तैयार किया गया है जो कि एक तरीके के ऑटोमेटेड सस्पेंशन की तरह आपके व्हील्स के साथ काम करेगा। नॉर्मल व्हील्स को अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको स्पोक्स देखने को जाती है रिम में, लेकिन इसे कुछ ऐसा बनाया है कि इसमें आपको लूप्स देखने को मिलते हैं और जैसे ही व्हील पर कोई भी झटका लगता है तो इन लूप्स की मदद से वो उन झटके को आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे कि व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई एहसास नहीं होगा। तो ये बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी रहती है जिससे कि व्हील चेयर में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, जिससे कि उसकी राइडिंग और भी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। नंबर 3, लूप माउंट ट्विस्ट। दोस्तों साइकिल राइडिंग के दौरान लोग अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए या फिर नेविगेशन पर्पस अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और राइडिंग के दौरान मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए खास तौर पर बहुत सारे ऐसे बाइक माउंट्स बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादातर बाइक माउंट्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं और समय के साथ साथ उनकी ग्रिप भी कमजोर होती चली जाती है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके के छोटे से साइकिल माउंट को ट्राई कर पाएंगे। इस माउंट की कमाल की बात ये रहती है कि ये साइज में बेहद छोटा रहेगा और आपकी बाइक में एक छोटी सी जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है और दूर से देखने पर कोई कह नहीं सकता कि ये एक तरीके का मोबाइल फोन होल्डर है, लेकिन जब भी आपको मोबाइल फोन लगाना है तो बस इसके माउथ को ओपन करिए और ये आपके फोन के हिसाब से ही अपना साइज एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद आप इजीली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं राइडिंग के दौरान भी। तो दोस्तों काफी यूजफुल से ये हो जाता है गैजेट, जिसे खासतौर पर राइडिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का माउंट कैसा लगा है। नंबर 7, किड रील। दोस्तों बच्चों को साइकिल सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है और अगर आप उनके साथ राइडिंग पर निकले हैं तब तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अक्सर आप उन्हें हाथ पकड़कर या फिर आप उनका हैंडल पकड़कर साइकिल सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि काफी ज्यादा दिक्कत भरा होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि छोटी साइकिल पर कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन रहेगा। इसकी खास बात ये होती है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ राइडिंग पर निकले हैं और उनकी साइकिल पर नजर रखना चाहते हैं तो बस इस पर लगे हुए एक छोटी सी रील को ओपन कर लीजिए, जिसके बाद आप अपने पीछे आने वाली साइकिल को भी ड्रैग कर पाएंगे, जो कि कमाल की बात रहती है, जिससे कि बच्चों को राइडिंग के दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस गैजेट को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपने बच्चों के साथ राइडिंग पर जाते हैं और उनके बच्चे परफेक्ट नहीं है अभी साइकिलिंग में। तो दोस्तों इस गैजेट की मदद से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है उनकी साइकिल को। नंबर 1, कनेक्ट सीट पोस्ट। दोस्तों साइकिल राइडिंग के दौरान अगर रोड्स वगैरह खराब हैं तो काफी ज्यादा झटके लगते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि साइकिल में किसी भी तरीके को कोई सस्पेंशन नहीं होते, जिसकी वजह से हमें अक्सर झटकों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि खास तौर पर साइकिल की सीट्स के नीचे लगने के लिए बनाया गया है। इसे आप किसी भी तरीके की साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद ये लगने वाले झटकों को बहुत ज्यादा कम कर देता है और ये खुद को आपकी साइकिल की स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा, जिससे कि राइडिंग के दौरान आपको काफी कम झटके फील होंगे। तो दोस्तों बेहद कमाल का छोटा सा गैजेट रहता है जो कि किसी भी साइकिल में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी पसंद आया है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। वही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।